प्रभु बिस्वापति जी, गुड मॉर्निंग कर लीजिए। नो प्लीज, सोने दो। एंड डोंट यू डेयर टू कॉल मी बिस्वापति। सुखस्वप्नम सुखायु सुखस्वप्नम। गो अवे, मुझे सुबह सुबह कुछ नहीं सुनना, मुझे बस सोना है। एक मॉन्स्टर है जो मेरे ड्रीम्स में आकर डरा रहा है। या शायद कोई और है जो तुम्हें बैड ड्रीम्स दे रहा है। Someone has been binge watching lately. Good night. चैम, जब तुम रात को न्यूट्रिशियस फूड की जगह जंक फूड खाओगे, ऑब्वियसली सुबह तो वेस्ट फील करोगे ही, राइट? Whatever. Hello mind warriors and welcome to our new playlist. आज का टॉपिक है स्लीप डिसऑर्डर ड्यू टू डिजिटल एडिक्शन, जहां हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझेंगे कि आज के फास्ट पेस डिजिटल वर्ल्ड में हम अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को कैसे स्टेबल रख सकते हैं। कहीं हम टेक्नोलॉजी से अडिक्ट होकर अपने वेलबींग को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे। आओ आज साथ मिलकर डिस्कस करें। आर यू रेडी? लेट्स गो। माइंड को भी उतना ही हेल्दी रहना पसंद है जितना हमारी बॉडी को। अगर मेंटल हेल्थ को इग्नोर करोगे तो हो जाएंगे स्लीप डिसऑर्डर्स, जो बन गई है तुम्हारी प्रॉब्लम एट प्रेजेंट। अरे हाँ, दिस रिमाइंड्स मी अबाउट अ सिमिलर स्टोरी ऑफ अ गर्ल। गेस व्हाट, उसको भी ऐसे ही नाइटमेयर्स आते थे। कोइंसिडेंटली वो भी सोने से पहले ऐसे ही शोज देखती थी। आई हर्ड काफी डेडली मॉन्स्टर्स आने लगे थे उसके सपने में। वो जायंट मॉन्स्टर होगा फिर? ये कोविड के टाइम की बात है जब स्कूल्स बंद हो गए थे एंड क्लासेस वर मूव्ड ऑनलाइन। उस वक्त एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी नहीं होती थी। सब बच्चों को टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स यूज करना एंड सर्फिंग भी अलाउड था, क्योंकि ऑनलाइन असाइनमेंट्स करने होते थे, सो पेरेंट्स हैप्पीली अग्रीड। अनफॉर्चुनेटली इस लड़की को गैजेट्स ओवर यूज करने की आदत पड़ गई। स्लोली दिस सिचुएशन वेंट ओवरबोर्ड, जिसको हम स्क्रीन एडिक्शन बोलते हैं। कुछ दिनों में उस लड़की के स्कूल शुरू हो गए, बट रात को वो बिल्कुल भी सो नहीं पाती थी। वो हर वक्त अपने फ़ोन पर रहती थी और सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर्स को उसने अपना इमेजिनरी दोस्त बना लिया। ऑफकोर्स दीज मॉन्स्टर्स हैड नो स्कूल एंड नो होमवर्क। धीरे धीरे ये अक्यूट स्लीप डिसऑर्डर बन गया, जो उसके माइंड एंड बॉडी दोनों को हार्म करने लगा। वो लड़की जिसको कोविड से पहले स्पोर्ट्स खेलना पसंद था एंड वॉज पार्ट ऑफ द हैंडबॉल टीम, वो अब सिर्फ गैजेट्स के वर्ल्ड में रहती थी एंड शी यूज्ड टू स्पीक टू हर टॉयज एंड टू हरसेल्फ ऑल नाइट। उसके पेरेंट्स ने देखा कि उनकी बेटी बिल्कुल भी सो नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने एक थेरेपिस्ट की हेल्प ली। डॉक्टर ने बताया कि वो एक्सट्रीम लेवल पर बिंज वॉचिंग कर रही है, सो सारे मॉन्स्टर्स उसके लिए रियल बन गए हैं एंड वो उनको विजुअलाइज कर सकती है। थैंकफुली बहुत एफर्ट्स के बाद एक टीम ऑफ डॉक्टर्स उसके दिमाग से इमेजिनरी मॉन्स्टर्स को बाहर निकाल पाए। शी वेंट अंडर ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर, एंग्जाइटी एंड मेंटल इलनेस। सो जैसा मैंने सबसे पहले बोला, अगर अपनी स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज करोगे एंड माइंड को हर वक्त अनवांटेड स्टफ फीड करोगे, तो माइंड भी वही विजुअल्स बनाएगा। बोलो, राइट और रॉन्ग? आईपैड एंड यूट्यूब पर इंफॉर्मेटिव स्टफ भी होता है, क्या वो देख सकता हूँ मॉम डैड की तरह? किड्स एंड एडल्ट्स की बॉडी फंक्शनिंग डिफरेंट होती है। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक ब्लू लाइट होती है जो हमारे माइंड को फूल करती है कि इट्स डे टाइम, डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये लाइट आईज के स्ट्रेन को कम करती है। ये हमको देर तक अवेक भी रखती है। ऑल्सो यंग एज में आईज बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए ये ब्राइट ब्लू स्क्रीन एक्सपोजर स्लीप एंड सर्केडियन डिसरप्शन दोनों के लिए ही सुपर डेंजरस है, स्पेशली बिफोर बेड टाइम, बिकॉज बच्चों की आईज फुली डेवलप नहीं होती। ये लाइट इंटरनल बॉडी क्लॉक को टोटली डिस्टर्ब कर देती है। द रिजल्ट इज पुअर स्लीप एंड इंसोम्निया। गैजेट्स एग्जैक्टली बिफोर बेड टाइम यूज करने से एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिसको रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम बोलते हैं। ये भी क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर्स का मेन रीजन है।
इवेंचुअली हमारी बॉडी थक कर स्लीप हार्मोन जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं उसको रिलीज करना बंद कर देती है। एज अ रिजल्ट एंट्री होती है मॉन्स्टर की सुपर स्मार्ट बॉय जिसको डॉक्टर्स मेडिकल टर्म्स में क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर एंड स्लीप डिप्रिवेशन कहते हैं। थैंकफुली स्लीप डिसऑर्डर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर टाइम पर एड्रेस किया जाए तो ईजिली ट्रीट भी किया जा सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम मेडिकल ट्रीटमेंट एंड थेरेपी इसका सॉल्यूशन हमको अपने घर में मिलेगा जो बहुत ही सिंपल है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम रीसर्फेस ना करे, इसीलिए टेक्नोलॉजी को स्मार्टली यूज़ करना इज एक्सट्रीमली क्रूशल। यहाँ सबसे पहले आता है टाइम मैनेजमेंट, नो बिंज वॉचिंग एंड देन कम्स एज रिलेटेड कॉन्टेंट वॉचिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको अपने टाइम एंड एनर्जी को यूटिलाइज करना है ऑन प्रोडक्टिव वॉचिंग। वी कैन ईजिली एलिमिनेट अनवॉन्टेड सर्फिंग एंड ब्राउजिंग। इन अ नटशेल हमें उपनिषद में मेंशन व्हाइट स्वान्स की तरह बनना है। स्वान्स? व्हाट स्वान्स? छांदोग्य उपनिषद में हंस जिसको स्वान बोलते हैं एंड जो लॉर्ड ब्रह्मा के वाहन है वो इतने पावरफुल माने जाते थे कि वो मडी वाटर से साफ पानी को भी अलग कर सकते थे। एज पर ऋग्वेद वो सिर्फ शीरा का सेवन करते थे। संस्कृत में शीरा मतलब मिल्क एंड साफ पानी। Isn't that cool? So my lovely little brother, तुम भी गुड थिंग्स पर फोकस करो एंड बैड स्टफ को बोलो बाय बाय। वो तब होगा जब तुम गैजेट्स का इस्तेमाल लिमिटेड टाइम के लिए करोगे एंड यू विल बी माइंडफुल ऑफ नॉट यूजिंग देम बिफोर बेड टाइम। इफ़ यू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स प्लेइंग साइकिलिंग चैटिंग एंड ब्रीदिंग फ्रेश एयर एवरी डे, हेल्दी बॉडी के लिए न्यूट्रिशियस फूड खाओगे जिससे बैड ड्रीम्स को ईजिली भगा पाओगे। और माइंड की वेलबींग जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है उसका खास ख्याल रखना है। ऋषि वशिष्ठ ने उपनिषद में कहा है सुख स्वप्नम सुखायु सुखम सदाचार्यम सुखायते सुखाय चेतथा सर्वम सुखम नामेति यत पदम। मीनिंग गुड स्लीप ब्रिंग्स हैप्पीनेस एंड वेलबींग, इट लीड्स टू वर्चुअस कॉन्डक्ट एंड कंटेंटमेंट एंड एवरीथिंग इज ब्लिसफुल व्हेन वन अटेन्स गुड स्लीप। लेकिन भाई अब तो जागने का टाइम हो गया है ना। सो माई डियर माइंड वॉरियर्स, आई होप आज के इस वीडियो से आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। क्या आपने सीरीज के सारे वीडियोज देख लिए? नहीं तो जाइए देखिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपने कुछ और इंटरेस्टिंग बातें सुनी हैं या पढ़ी हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। विल मीट यू नेक्स्ट टाइम राइट हेयर माइंड वॉर्स की एक नई प्ले लिस्ट के साथ। अंटिल देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल और साथ ही डाउनलोड कीजिए माइंड वॉर्स ऐप एंड खेलिए ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्विजेस। माइंड वॉर्स, खेलो सीखो बनो स्मार्ट।